गुड मॉर्निंग सो टूडे विल टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक इन योर ए ई सी सी पेपर विच इज़ रेज्यूम ए राइटिंग ठीक है रेज्यूमे रेज यू मे एक और शब्द होता है इंग्लिश में रेज्यूम रेज्यूम विच इज़ अ वर्ब विच बेसिकली मीन्स कि आपने कुछ काम कर रहे हैं एंड देन यू स्टॉप इट और फिर से उसको वापस आप काम में लग गए हैं दैट इज़ रेज्यूम बट दिस इज़ रेज्यूम ठीक है

हज़ारों एप्लीकेशन आते हैं सो दैट इज़ वाई यू हैव रेज्यूम जिसके आपके सारे जिसमें आपके सारे डिटेल्स होंगे तो जैसे जो इम्प्लॉयर होगा ही विल गो थ्रू यूर डिटेल्स एंड यू विल शॉर्ट लिस्ट यू ऑन दैट बेसिस तो फॉर इंस्टेंस हजारों में से शायद मे बी ही विल कॉल फिफ्टी पीपल फॉर द इंटरव्यू एंड फाइनली टेन पीपल फॉर द जॉब यू नो तो इसे बायोडेटा या करिकुलम वाई टेस्ट सी वी भी बोल सकते हैं लेकिन ये जो क्या है सी वी है थोड़ा और डिटेल में होता है एंड इट इज स्लाइटली लॉन्ग है सो बेसिकली थिंक ऑफ द रिज्यूम एज एन एडवर्टीज़मेंट टू सेल यू बेसिकली ये जो आपके जो स्किल्स हैं वो आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब को के लिए बेच रहे हैं ना जैसे एडवर्टीज़मेंट का काम होता है कि क्या है ये डिटर्जेंट खरीदो ये वाला चॉकलेट खरीदो तो वैसे आपको भी एड जो जॉब देने वाले कंपनी को या इंटरव्यूअर को समझाना है कि ये जो कैंडिडेट है जो मैं हूँ प्लीज़ मुझे ख़रीदो इस जॉब के लिए इन वे यू नो क्योंकि आपके स्किल्स और टाइम वो लोग खरीद ही रहे आपको सैलरी देंगे और आपका काम लेंगे सो ऑलवेज रिमेंबर दट इच रेज्यू में शुड बी वेरी जॉब स्पेसिफिक यू नो जैसे अब अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो रेज्यूम में अलग होगी फ्राम समथिंग एल्स से लाइक अ जॉब फॉर अ एडिटोरियल पोजिशन इन अ न्यूज़ पेपर एंड ईट शुड बी कंसाइज परसुएसिव एंड नीटली प्रेजेंटेड यानी कि वो ये अगैन कम शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एकदम नीटली स्ट्रक्चर्ड रहना चाहिए एंड हाईलाइट ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स अगेन जॉब के हिसाब से कंपनी के हिसाब से एंड रिमूव अननेसेसरी वन अब आपने क्लास वन में अगर कुछ पेंटिंग का प्राइज जीता था तो उसकी ज़रूरत नहीं है डालने की ना जस्ट कीप द इम्पोर्टेंट डिटेल्स सो फाइनली योर रिज्यूम डिटेल्स रेज्यूमे योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स करियर ऑब्जेक्टिव करियर में आप क्या करना चाहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंडेड जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज गए हैं कहाँ कहाँ आपने काम किया है वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स यानी कंप्यूटर स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स क्या क्या आपको अवार्ड्स मिले हैं हॉबीज़ एंड रेफरेंसेस रेफरेंसेस यानी कि जैसे आपके प्रिंसिपल हो गए या आपके जो पुराने जॉब में जो बॉस थे वो आपको रेफ़र कर सकते हैं आपके बारे में आपके स्किल्स के बारे में बता सकते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं जैसे भी आप चाहे एक पॉसिबल सेक्शन एक आपके क्या रिज्यूमे में हो सकते हैं हेडिंग जिसमें क्या है आपका नाम होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी एड्रेस ई फ़ोन नंबर पोजिशन शॉर्ट क्योंकि शायद हो सकता है एक कंपनी में कई जॉब्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं सो जस्ट टू लेट द नो एम्प्लॉयर नो कि आप exactly इस जॉब के लिए अप्लाई करें करियर ऑब्जेक्टिव बेसिकली वंस इन वन सेंटेंस आप अपने गोल्स एंड एस्पिरेशंस बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं एंड स्पेशली अगर आप क्या है ये जो करंट जॉब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका भी उसमें ध्यान रखे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा प्रोफेशनल समरी बेसिकली आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है स्किल्स है वर्क एक्सपीरियंस है उसका एक छोटा सा आप दो तीन लाइन में समरी डाल के एक वहाँ लिख सकते हैं एजुकेशन विल कंटेन नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल योर इंस्टीट्यूशन अटेंडेड आपने क्या डिग्री डिप्लोमा लिया है और उसमें कितना आपको स्कोर या ग्रेड मिला है

डांसर्स जॉब will यू विल पुट इन ऑल दिस राइट सो हॉबीज़ एंड achievements awards अचीवमेंट्स honors एंड references एंड persons who know द कैंडिडेट्स work and प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो वह आप देख सकते हैं मैं आपके स्क्रीन पे एक सैम्पल रिज्यूमे शेयर कर रहा हूँ ये मेरा ही रिज्यूमे है तो आप देख सकते हैं ऊपर नाम है एड्रेस है ई मेल आई डी फ़ोन नंबर इसको मैंने थोड़ा ब्लैकआउट कर दिया है देन कम दी एजुकेशन डिटेल्स जो टॉप की जो आपकी जो मेन जो लेटेस्ट डिग्री है जैसे अगर मेरी सबसे हाईएस्ट डिग्री है मास्टर ऑफ आर्ट्स तो मैं पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखूंगा फिर बैचलर ऑफ़ आर्ट्स अगर मैंने पीएचडी की होती तो उससे भी सबसे ऊपर क्या है मेरी पीएचडी आती फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स साथ में अब क्या है कॉलेज का नाम है कब ग्रेजुएशन हुई है और स्कोर फिर ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड देन आई कम टू वर्क एक्सपीरियंस अब वर्क एक्सपीरियंस में क्या है मैंने जैसे चार जगह काम किया है तो मैंने चारों के डिटेल्स दिए हैं अपनी पोजीशन मैं उसमें क्या हूँ जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भरमो और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डेट कब से कब जुलाई टू टू प्रेजेंट तो ये सब चीज़ें ये क्यों रेज्यूम है ये काफ़ी डिटेल्ड रेज्यूम है इसमें मैंने अपने जॉब में मैंने क्या क्या किया है वो भी डाला है ये सब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है अगर ये जो बुलेट पॉइंट्स आप देख रहे हैं अगर इसे हटा भी देंगे तो तब भी चलेगा वेर यू जस्ट राइट जैसे कॉलेज का कंपनी का नाम आपकी पोस्ट और डेट कब से कब और जगह तो ये भी काफ़ी रहेगा ये बिकॉज इन अ वे लाइक यू नो आई एम अ राइटर सो मैं क्या है एज अ किसी राइटिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो इसलिए क्या है देन मेरे में मैं हॉबीज भरे की जगह इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ कि मेरा क्या क्या काम अभी तक छपा है काफ़ी कुछ छपा है लेकिन जो ज़रूरी है जो इंपॉर्टेंट है बस वही एंड फाइनली की स्किल सेट जो कि क्या है मुझे लगता है किसी राइटिंग जॉब या रिसर्च जॉब में यूजफुल होंगे तो इसलिए उस चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ठीक सो एज यू कैन सी इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट आप अपना भी फॉर्मेट बना सकते हैं ऐसा कुछ है नहीं बस बेसिकली जो हमने पहले पॉइंट्स बात की थी जो क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए वो सब रहना चाहिए रिज्यूमे में एंड इट शुड बी नीटली डिवाइडेड इन टू सेक्शन एंड प्रेजेंटेड फाइनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दस मार्क का क्वेश्चन आता है ईदर यू विल भी आस्ट वाटर रेज्यूम एज जो हमने पहले बात की उसमें क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में पूछा जाएगा और आपको एक सवाल दिया जाएगा डिटेल्स दिए जाएंगे एंड यू नीड टू राइट अ सैम्पल रेज्यूम में तो ऐसा ही मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ यू आर विजय और विजेता बी टेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आई आई टी डेली एंड नाउ आफ्टर वर्किंग फॉर वेरियस सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर द पास्ट फाइव ईयर्स यू आर अप्लाइंग टू गूगल फॉर द पोजीशन ऑफ अ सीनियर प्रोग्रामर राइट सैम्पल रिज्यूम में इमेजनिंग फर्दर डिटेल्स तो कुछ कुछ डिटेल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं नाम दिया हुआ है एड्रेस वगैरह आप लोग इमेजिन कीजिए आपको ये बता दिया है कि इनकी हाइस्ट डिग्री बीटेक है आईआईटी दिल्ली से और उसके बाद इन्होंने पाँच साल तक कई सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में काम किया है सो वर्क एक्सपीरियंस में आपको ये कंपनीज इमेजिन करनी होंगी यू नीड टू राइट द डिटेल्स एंड शो ऑन सो या दैट इज़ द एक्सरसाइज गुड लक विद इट एंड थैंक यू